की परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, कृपा पर कृपा मिला है। उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, आराधना, वचन का प्रवचन और गवाही से हम सबको कृपा के ऊपर कृपा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मिले। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला
la 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 la. झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा एक गीत सभी की। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पे होगा एक दिन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना हिंसा, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना हिंसा, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। सबको जय यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में और फलों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसी के साथ दो चेतावनियों के बारे में भी देखेंगे। दो चेतावनियां जो एक प्रभु यीशु ने दी है और एक संत पौलुस ने दी है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन संख्या 7 से 11 में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। ये 9 वरदान है जो नाना प्रकार के हैं, जो पवित्र आत्मा विश्वासियों को देता है, जो आत्मा से परिपूर्ण विश्वासियों को ये वरदान मिलते हैं। तो ये वरदान विश्वासियों को किस लिए दिए जाते हैं? ये वरदान विश्वासियों को इसलिए दिए जाते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन संख्या 12 कहता है कि ये वरदान विश्वासियों को कलीसिया की उन्नति के लिए दिए जाते हैं। इससे इन वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है, इसलिए ये वरदान विश्वासियों को दिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों का ध्यान गलातियों की पत्री अध्याय 5 पर आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पर संत पौलुस हमको पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में बताता है।
और नौ फलों के बारे में बताने से पहले, ठीक पहले संत पौलुस हमको कुछ शरीर की कुकर्मों के बारे में बताता है। एक भयंकर चेतावनी संत पौलुस देते हैं, 17 प्रकार के शरीर के कुकर्मों के बारे में पौलुस बताते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन संख्या 19 से 21। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहाँ पर एक चेतावनी देकर कहता है कि जो मसीह लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं, जो पश्चाताप नहीं करते हैं, कुकर्मों में बने रहते हैं, वो मसीह लोग ईश्वर के राज्य के अधिकारी कभी नहीं हो सकेंगे। ये चेतावनी देने के बाद संत पौलुस पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताता है। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरोध में कोई विधि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। ये 9 फल, पवित्र आत्मा के 9 फल प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, यीशु मसीह का स्वभाव है। और पौलुस कहता है इनके विरोध में कोई भी विधि नहीं है। पवित्र आत्मा के 9 फल यानी यीशु मसीह का चरित्र है, यीशु मसीह का स्वभाव है। इसमें हमको परिपक्व होना चाहिए। ये 9 फल हरेक के अंदर होते हैं, लेकिन इन 9 फलों में हम परिपक्व है या नहीं है, ये हम कैसे जानते हैं, कैसे जान सकते हैं? कैसे कोई ये जान सकता है कि पवित्र आत्मा के फलों में मैं परिपक्व हूँ या नहीं हूँ? कोई फल पका हुआ है या वो कच्चा है, इसको हम कैसे जानते हैं? फल को जब दबाया जाता है तो हमको पता चलता है कि ये पका हुआ है या कच्चा है। फल को दबाने के बाद उसमें से किस प्रकार का रस निकलता है, इससे हमको पता चलता है। अगर रस मीठा निकला तो हम कहते हैं फल पका हुआ है, परिपक्व है। अगर फल में से खट्टा कड़वा जूस रस निकला तो हम कहते हैं ये पका नहीं है, कच्चा है। ऐसे ही हमारे फलों को जब दबाया जाता है तब हमको पता चलता है कि हम आत्मा के फलों में परिपक्व है या नहीं, हम यीशु मसीह के स्वभाव में, चरित्र में परिपक्व है या नहीं। उदाहरण के लिए, कैसे हमारे फलों को दबाया जाता है, कैसे हमको पता चलता है? उदाहरण के लिए, आपने एक नया गाड़ी लाकर आपके घर के सामने खड़ा किया है और किसी ने पत्थर मारकर उस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो उस समय आपको क्या होता है, आपके अंदर से कैसा रस निकलता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और पकड़कर उसको मारते पीटते भी हैं। तो आपके अंदर से कैसा रस निकला? कड़वा रस, गुस्सा निकला। इससे हम जान जाते हैं कि हमारे अंदर जो फल है वो परिपक्व नहीं है, हम यीशु के स्वभाव में परिपक्व नहीं है। समझो सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं, उसी समय किसी ने आपके कपड़े पर चाय गिरा दिया या कोई और चीज़ गिरा दी और आपके कपड़े ख़राब हो गए, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? आपके फल को उस समय दबाया जाता है, आपके अंदर से किस प्रकार का रस निकलता है उससे हमको पता चलता है कि हम
यीशु के स्वभाव में, पवित्र आत्मा के फलों में परिपक्व है या नहीं है। ऐसे जब हमारे फल को दबाया जाता है तब हम समझते हैं कि हम यीशु के स्वभाव में परिपक्व है या नहीं है, पवित्र आत्मा के फलों में हम बढ़ रहे हैं या नहीं है, क्या हम कच्चे हैं। अब परमेश्वर ये चाहता है कि हर कोई यीशु के स्वभाव में परिपक्व हो जाए, यीशु के जैसा बने। यीशु खुद यही चाहते हैं कि हम उसका अनुसरण करें। ये पवित्र आत्मा के जो नव फल है ये यीशु का स्वभाव है। और स्वभाव फल होता है, और वरदान जो है और फल है उनमें अलग अलग प्रकार के ये वरदान होते हैं। संत मत्ती के अध्याय में हम देखते हैं यीशु ने एक चेतावनी दी है। इससे हम पवित्र आत्मा के वरदानों में और फलों में थोड़ा संतुलन देखेंगे। जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, संत मत्ती अध्याय 7:21-23 तक पढ़ेंगे। संत मत्ती अध्याय 7:21-23, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। एक चेतावनी यहाँ पर प्रभु यीशु हमको देते हैं। यीशु कहते हैं, जो लोग प्रभु प्रभु कर मेरे पीछे आते हैं वो सभी ईश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्या हुआ यहाँ पर, क्या परेशानी है? प्रभु प्रभु कहना गलत है, तीन चमत्कार करना गलत है, अन्य अन्य भाषाएं बोलना गलत है, अपदूतों को निकालना गलत है। फिर यीशु क्यों कहते हैं कि मैं तुमको नहीं पहचानूंगा? फिर यीशु क्यों कहते हो कि तुम कुकर्मी हो? यीशु के नाम से इतने अद्भुत कार्य करने वाले लोग कुकर्मी कैसे हो सकते हैं? ये यीशु ने चेतावनी दी है दो प्रकार के लोगों के लिए। जो लोग सिर्फ ओटों से यीशु का नाम लेते हैं उन लोगों के लिए, और जिनको सिर्फ पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं जो फलों में परिपक्व नहीं है उनके लिए। संत मरकुस के 7 अध्याय में यीशु ने कहा, तुम ओठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। जो लोग ओठों से यीशु का आदर करते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रेस द लॉर्ड करते रहते हैं लेकिन उनके हृदय यीशु से दूर है, ऐसे लोगों के लिए यीशु ने कहा कि तुम स्वर्गराज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। कौन स्वर्गराज में प्रवेश कर सकता है? जो पिता की इच्छा को पूरी करता है। पिता की इच्छा क्या है? दया करो, प्रेम करो, क्षमा करो। पिता ने यीशु को इस संसार में भेजा, यीशु में विश्वास करो। यीशु कहता है, तुम मेरे नाम से भविष्यवाणियां करो, तुम मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करो, तुम मेरे नाम से अब्दुतों को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमको नहीं जानता, तुम कुकर्मी हो। इतनी भयानक चेतावनी यीशु ने दी। ये किस लिए दी है? ये सिर्फ जो लोग वरदानों में चलते हैं, पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ते नहीं हैं। और चिन्ह चमत्कार करना फल नहीं है, भविष्यवाणी करना फल नहीं है, वरदान है। फल सबसे महत्वपूर्ण फल है प्रेम। अगर मेरे पड़ोस में
कोई गरीब है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, भूखा प्यासा है, उसको देखने के बाद अगर मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम नहीं आता है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, उसको मैं मदद नहीं करता हूँ, उसके लिए ज़रूरत के लिए मैं कुछ भी उसको देता नहीं हूँ, तो यीशु कहता है मैं तुमको जानता नहीं हूँ। इसी बात को पौलुस हमको आगे बताता है कि मैं सब कुछ कर सकूं, मेरे पास ऐसा विश्वास हो जो पहाड़ों को हटा सके, मैं मुर्दों को जला सकूं, मैं अपना शरीर भस्म होने के लिए दे दूं, अगर मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक ठनठनाता हुआ घड़ियाल हूं, मैं एक पीतल हूं, प्रेम के अभाव में मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए यीशु ने कहा जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, जो संदेश देते हैं, जो भविष्यवाणियां करते हैं, ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए होता है और हमारे लिए पवित्र आत्मा के फलों में हमको परिपक्व होना है। अगर हम भविष्यवाणियां करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं और प्रेम नहीं करते हैं, दया नहीं दिखाते हैं, तो यीशु कहेगा कि हम कुकर्मी है, यीशु कहेगा मैंने तुमको जाना नहीं है। क्योंकि यीशु ने एक बात को कहा, छोटे से छोटे मेरे भाई के लिए जो तुमने किया वो मेरे लिए ही किया। हम बड़े बड़े कार्य करते हैं लेकिन किसी को मदद नहीं करते हैं, किसी के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं, मुखिए पैसे को खिलाते नहीं हैं, तो वो चिन्ह चमत्कार हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। यीशु कहेगा कि मैंने तुमको जाना नहीं है, मैं तुमको जानता नहीं हूँ। इसीलिए वरदानों के साथ साथ पवित्र आत्मा के फलों में भी हमको परिपक्व होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष दे। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम शिल्पा भाभोर है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे ना शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होता था, 2 साल से ये बीमारी है। तो मैं ना डिवाइन में आए हुए, मेरे को याद 5वां दिन है, कल मैंने पश्चाताप किया और आज सुबह आराधना में मुझे प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा से चंगाई मिला, मेरे शोल्डर पेन ख़त्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रभु यीशु के वचन को सुने और उसमें विश्वास करें, विश्वास से सब कुछ होता है। धन्यवाद। Hallelujah, 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 Hallelujah. Sare jahan mein tujhsa koi nahi, tujhko chhod koi prabhu hi nahi, ghutne mein tek bas tere samne, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah. 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने हैं। ये वही प्रभु यीशु है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु, हम तेरे सामने हमारा घुटना टेकते हैं। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा यीशु है। हां प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं और कोई प्रभु है ही नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितना अच्छा है कि हम प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेके हुए हैं। हम वही प्रभु की आराधना करते हैं क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। सारे जहां में, सारे दुनिया में प्रभु जैसा कोई नहीं। प्रभु जैसा हमें और कोई मिलेगा भी नहीं और प्रभु जैसा कोई नहीं है। हम स्वर्ग दूतों के साथ हालेलुया कहते हैं। हालेलुया हमारा गीत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया हमारा गीत है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान को हराया है, पाप को हराया है और मृत्यु को हराया है। इसीलिए हम हालेलुया कहते हैं, यह समझकर कि प्रभु यीशु विजयी प्रभु है और उसके जैसा इस दुनिया में, इस जहां में कोई नहीं है। वो करुणा से भरा हुआ है, वो हमें बचाता है। जब हम उसे पुकारते हैं वो दौड़कर आता है। जब हम पाप में गिरते हैं वो हमें उठाता है। उसे पता है कि हम निसहाय है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यक्ति पाप में गिरता है वो निसहाय ही है, वो कमजोर है। लेकिन वो हमारा प्रभु है जिसने पाप पर, मृत्यु पर और शैतान पर विजय पाई है। इसीलिए हम भी आशावादी लोग हैं। हम भी प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, सारे स्वर्ग दूतों के साथ, सारे संतों के साथ एक होकर हम कहते हैं हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आराधना के समय घुटना टेके हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं और हमारे दिल से, हृदय से जीवित प्रभु की आराधना करेंगे। हम आराधना के योग्य है हमारे प्रभु यीशु। हालेलुया कहना हमें कभी
बंद नहीं करना है, कभी थकना नहीं है। ये वही स्वर्गदूतों का गीत है जो हम गाते हैं, उनके साथ एक होकर गाते हैं। हम भी कहते हैं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं प्रभु, तुझको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं, इसीलिए हम अपने घुटने टेकते हैं। हम कहते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा पिता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे लिए है, आपके लिए और मेरे लिए। हम उसी प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं जिसने कहा कि मैं आया हूं जीवन, कि वे जीवन प्राप्त करें और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम सब जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जो बहुत खतरनाक है, भयानक है और जिसके इरादे बहुत गलत है। प्रभु यीशु ने हमारे दुश्मन को चोर का नाम दिया है, झूठ बोलने वाले का नाम दिया है, फंसाने वाले का नाम दिया है। और प्रभु यीशु हम सबसे कहते हैं कि सतर्क रहना है। हमारा जो दुश्मन है वो चुराता है, हमसे आनंद, शांति, वफादारी, ईमानदारी चुराता है, वो हमें मारता है और अंत में उसका एक ही उद्देश्य है कि आत्मा का सर्वनाश हो नरक में। लेकिन प्रभु यीशु हमसे कहता है कि मैं आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसी प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है, अकेले नहीं, स्वर्ग दूतों के साथ। हम अलग अलग जगह में भले ही हो, लेकिन एक साथ प्रभु यीशु के सामने आत्मा में है। और ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे तरफ देख रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं,
मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, कि तुम सब जीवन प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें परिपूर्ण जीवन देता है, 100% जीवन देता है, 99 नहीं 100% जीवन देता है, उस प्रभु यीशु की हम आराधना करें। उस प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दे, अपने दिल से धन्यवाद दे प्रभु यीशु को, और कहे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने शैतान को, हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन को हराया, मौत को हराया, पाप को हराया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने हैं। इस समय हम अपने प्रार्थना और विनंती प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे, आशीष मांगेंगे प्रभु यीशु से, जो हमें परिपूर्ण जीवन देता है, परिपूर्ण जीवन का आशीष मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु यीशु अपने आशीष से हमें भर देना। प्रभु यीशु से कहेंगे कि प्रभु यीशु अपने कृपा से हमें भर देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने परिवार वालों को भी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण उन्हें करना है। अपने परिवार को नहीं भूलना, अपने मित्रों को नहीं भूलना। आप जिस पल्ली में हैं, उस पल्ली के पुरोहित धर्म बहनों को नहीं भूलना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अगर कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, उस दुख और तकलीफ को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। आप अगर किसी पाप से लड़ाई कर रहे हो, उस पाप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना और प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु मुझे एक नया जीवन देना, प्रभु आशीष देना, प्रभु एक नया जीवन देना, एक नया जीवन देना प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम सब प्रभु यीशु से आशीष स्वीकार करेंगे, रोटी रूपी प्रभु यीशु से हम वो अंतिम आशीष स्वीकार करेंगे और संतों और स्वर्गदूतों के संग हम हालेलुया का गीत गाएंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.